आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया खबर कश्मीर से। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में पहली बार ट्रैफिक जागरूकता अभियान नूर अल शहबाज और शोकेस पंडित ने जम्मू एवं कश्मीर यातायात पुलिस, न्यू मिलेनियस पब्लिक स्कूल हंदवारा, सरकारी हाई स्कूल पोहरूपेट, इस्लामिया मॉडल स्कूल पोहरूपेट, वेबकॉम आईटीआई हंदवारा सहित कई स्थानों पर इस अभियान को चलाया गया, जहां लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के बारे में बताया गया और ट्रैफिक नियम ना पालन करने से होने वाले नुकसानों की भी जानकारी दी। आज जो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था इन कलेबरेशन ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन इन डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा इन कलेबरेशन विद जम्मू एंड कश्मीर ट्रैफिक पुलिस एंड सिविल सोसाइटी, तो उसमें जो है मोस्ट पर्टिकुलरली रोल उसमें रहा शौकत अहमद पंडित जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, और हमने जो है बाकी स्कूल्स में कैंपेनिंग की। इसका एक ही मकसद रहा कि जो ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन होती है, एक इंसान की जान जो है ये बहुत ही कीमती होती है, लेकिन हम उस जान को खुद ही गंवा देते हैं या ओवर स्पीडिंग की वजह से या बाकी जो है ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करने की वजह से। हम जो है ट्रैफिक पुलिस के बाकी ऑफिशियल्स हमारे साथ थे, हमने ऑन रोड प्रैक्टिकलिटी में पहली बार जो है कश्मीर वैली में एक्सक्लूडिंग श्रीनगर सिटी पहली बार हुआ आज ऑन रोड्स जो है ड्राइवर्स को अवेयर किया गया, जनरल पब्लिक को अवेयर किया गया कि कैसे रूल्स को हम फॉलो करें, कौन कौन से रूल्स होते हैं उनको कैसे जो है एग्जीक्यूट करें या इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि इंसान की जान जो है ये बहुत ही कीमती होती है। ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम आपके होते रहेंगे डिस्ट्रिक्ट? हाँ, ये अवेयरनेस कैंपेन जो है ये लॉन्ग चलेगी कंटिन्यूसली इन कलेबरेशन विद जम्मू एंड कश्मीर ट्रैफिक पुलिस। आज जो है हमने पहला कैंप जो है किया था ऑन सोपोर कुपवाड़ा रोड, दूसरा जो है हंदवारा डिग्री कॉलेज के बाहर हुआ, तीसरा न्यू मिलेनियम पब्लिक स्कूल में हुआ। ये कैंप जो है कंटिन्यूसली लंगेट, क्रालकोंड, कलमाबाद हर जगह पे होते रहे। घाटी में हर साल रोड एक्सीडेंट में हजारों लाखों लोगों की मौत हो जाती है, जिसे मरने वाले परिवार पर क्या बीतती है ये वो परिवार ही जानता है। हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, अपनी और दूसरों की सुरक्षा करनी चाहिए। ये थी हंदवारा से कबीर गिलानी की रिपोर्ट, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।